पामुलपर्ती वेंकट नरसिंह राव हे भारताचे छोटी स 1991 ते छोटी स 1996 या काठात पंतप्रधान होते। त्याच काठात ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्षही होते। भारताच्या नवीन आर्थिक पामुलापती वेंकट नरसिंह राव जन्म 28 जून 1921 भारत के 09वे प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लाइसेंस राज की समाप्ति और भारतीय अर्थनीति में खुलेपन उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही आरंभ हुआ। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। राव संगीत सिनेमा एवं नाट्यशाला में रुचि रखते थे। भारतीय दर्शन एवं संस्कृति कथा साहित्य एवं राजनीतिक टिप्पणी लिखने भाषाएं सीखने तेलुगु एवं हिंदी में कविताएं लिखने एवं साहित्य में उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने स्वर्गीय श्री विश्वनाथ सत्यनारायण के प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास वेल पदागलु के हिंदी अनुवाद सहस्रफन एवं केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित स्वर्गीय श्री हरि नारायण अपटे के प्रसिद्ध मराठी उपन्यास पान लक्षत कोन घेटो के तेलुगु अनुवाद अम्बाला जीवितम को सफलतापूर्वक प्रकाशित किया। उन्होंने कई प्रमुख पुस्तकों का मराठी से तेलुगु एवं तेलुगु से हिंदी में अनुवाद किया एवं विभिन्न पत्रिकाओं में कई लेख एक उपनाम के अंदर प्रकाशित किया। उन्होंने राजनीतिक मामलों एवं संबद्ध विषयों पर संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम जर्मनी के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिया। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने 1974 में ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और मिस्र इत्यादि देशों की यात्रा की।